हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी ये वीडियो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होने वाली है, उसमें आज हमारी ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क, बैकग्राउंड एंड एप्लीकेशन को जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन को कवर करेंगे। ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हारून इदरीस लेट की, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगुदा से। और आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है शाहजेब मुवेरी, PhD स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगुदा से। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से कि किस तरह से हम जो है इस मैनुअल जो सिस्टम्स होते थे हमारे माजी में, उनसे लेकर आज हम ऑटोमेशन तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा हम उनको डिस्क्राइब करेंगे कि लाइब्रेरीज जो होती थी पहले दौर में, जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी हो गई, प्रगामम लाइब्रेरी हो गई, या जो है किंग ईश्वर बनी पाल की लाइब्रेरी हो गई, उनकी डिब्रीज से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये लाइब्रेरीज जो होती थी ये रॉयल प्लेसेस होते थे, सिर्फ रॉयल्स के लिए, जिनमें रॉयल्स के जो है एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी रिक्रिएशन के लिए उस हवाले से जो है मटेरियल्स रखे जाते थे। उसके बाद इस्लाम प्रमोटेड रीडिंग, एक्सेसिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। इस्लाम ने जो है रीडिंग को जो है प्रमोट किया, एक्सेस जो इंफॉर्मेशन तक था उसको प्रमोट किया, और नॉलेज शेयरिंग को जो है प्रमोट किया। उसके बाद नॉलेज बिकम अ पब्लिक एक्सेसिबल कमोडिटी। अब जो नॉलेज थी वो नॉलेज जो है उस माजी के दौर से आगे जाकर जब हम देखते हैं तो ये जो है आम लोगों के लिए पब्लिक की जो है एक कमोडिटी बनी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज, लाइक जैसा कि बैतुल हिकमा एक पुरानी लाइब्रेरी है। उसके बाद जो है हकम जो है लाइब्रेरी है, जो 40,000 जो है वॉल्यूम्स पर, जो है 4,00,000 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। उसके बाद फातमीद का दौर आया तो उसमें जो है 1,000,000 वॉल्यूम्स पर वो लाइब्रेरी मुश्तमिल थी। तो इस तरह से जो है हमारे माजी में से जो मौजूदा दौर में हम लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स तक पहुँचे हैं, तो ये किस तरह से जो है एक चेंजिंग फेज रहा है इस हवाले से थी। और अब पैराडाइम शिफ्ट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो माजी में था उसको जो है पब्लिक एक्सेस में तब्दील किया गया, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चेंज इन अप्रोच जो थी लोगों की, उसमें चेंज आया। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन जो है जिदत की तरफ आती जा रही है, और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज का जो इंडक्शन है जो हम लोगों के सामने है आज, मूवेबल टेक्नोलॉजी सारी। तो इसी तरह से फिर हाईली क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल पर्सनल्स आए, जो माजी में जैसे आप देखें तो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स वर जस्ट कस्टोडियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जिनकी जिम्मेदारी होती थी कि मटीरियल्स को, जो भी इंफॉर्मेशन कंटेनर्स होते थे उनकी कस्टडी करना और उनकी हिफाजत करना थी। लेकिन जब वक्त तब्दील हुआ, जैसे आज हमारे पास मुख्तलिफ डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, तो इस तरह से जो है फिर लोगों में शऊर आया, लोगों में फिर इस तरह की तालीम आई, फिर ट्रेंड जो है पर्सनल्स और नॉलेजबल पर्सनल्स डेवलप हुए बने। तो इस तरह से जो है ये चेंजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आती गई। लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ती गई। जैसे माजी में लोगों के पास जैसे कस्टोडियंस होते थे तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कस्टडी होती थी, फिर आगे जाकर जब पब्लिक एक्सेस की बात आई तो पब्लिक एक्सेस में फिर जो आपके कस्टोडियंस होते थे माजी वाले, वो फिर तब्दील होते गए, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनते गए। तो इसी तरह से जो एक्सपर्टीज होती थी उनकी, वो एक्सपर्टीज में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। उसके बाद जो है पर्सनैलिटी सेंटर्ड टू प्रोसेस सेंटर्ड। अब पहले जो पर्सनैलिटी सेंटर्ड होती थी चीज़ें, उसको फिर प्रोसेस सेंटर्ड में जो है तब्दील किया गया कि चीज़ों को जो है बेहतर से बेहतर बनाने के अमल को जो है शुरू किया गया। उसके बाद
जैसे माजी में मैंने आपको बताया जो क्ले टेबलेट्स वगैरह, पेपेरस सेपेरस, यूनिफॉर्म सिस्टम्स या इस तरह से और जो सिस्टम्स मौजूद होते थे, तो उनकी जो उन तक एक्सेस के लिए जो सिस्टम्स होते थे वो भी हमारे पास नहीं होते थे। जब प्रोसेस सेंटर्ड में आ गए तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ हम चले गए। अब स्टैंडर्डाइजेशन में आप देखेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मौजूद हैं, कैटलॉगिंग रूल्स मौजूद हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में जैसे आपके पास डिफरेंट तरह की जो है स्कीम्स, क्लासिफिकेशन स्कीम्स मौजूद हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी हो गई, डीडीसी हो गई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम हो गई, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो गई, या इस तरह से और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस दुनिया में जो है सिस्टम्स वजूद में आए। और इसी तरह से फिर जब हम बात कर रहे हैं कैटलॉगिंग रूल्स की, तो कैटलॉगिंग कोड से फिर हम आगे चले चले जो है कैटलॉगिंग कोड्स की तरफ, कैटलॉगिंग रूल्स की तरफ आए, फिर उनमें एफ आर बी आर, फिर अब तो आर डी ए, उसके बाद डबलिन कोर या इस तरह से, और फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और रूल्स मुतारिफ करवाए गए। उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग हो गई, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग हो गई, या इस तरह से और बहुत सारी जो है सब्जेक्ट हेडिंग्स वगैरह आ गई। और उसके बाद जो है पर्सनल स्किल्स मोर एक्यूरेसी की तरफ जाने लगे, के जो है चीज़ों को सही तरह से उनको एक्यूरेटली जो है परफॉर्म करने लगे और बेहतर तरह से। उसके बाद इंक्रीज्ड